नमस्कार, अर्थ प्रकाश टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रोजाना की तरह एक बार फिर हम हाजिर हैं ट्राई सिटी का खबरनामा लेकर। और आजकल आपको मालूम है कि चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनावों का जोर है। पूरी तरह से नगर निगम के चुनावों को लेकर अब गहमा गहमी बढ़ रही है और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था। नॉमिनेशंस तो फाइल हो गई थी शनिवार को ही, लेकिन आज उनकी स्क्रूटनी होनी थी और उसके बाद ये तय होना था कि अगर कोई गलत किसी ने फॉर्म भरा है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, जो प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सभी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो नामांकन पत्र हैं वो सही पाए गए हैं और अब 9 दिसंबर तक जो कैंडिडेट्स, जो कवरिंग कैंडिडेट्स थे या कुछ और कैंडिडेट्स थे जो नाम वापस लेना चाहते हैं वो अपना नाम वापस ले सकेंगे। तो कुल मिलाकर अब जो चुनाव की जो प्रक्रिया थी, जो नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया थी, वो लगभग अब पूरी हो चुकी है और अब जो उम्मीदवार हैं वो जो असल कैंपेनिंग है, असल अभियान है, उसके लिए अब कमर कस रहे हैं। जगह जगह कैंपेनिंग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अपने अपने तरीके से उम्मीदवार कैंपेनिंग कर रहे हैं। कोई साइकिल से यात्रा कर रहा है, कोई आशीर्वाद यात्रा कर रहा है और अभी फिलहाल ज़्यादातर कैंडिडेट्स डोर टू डोर कैंपेनिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ज़्यादा मसला उनको लगता है कि शुरुआत जो है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग के साथ होनी चाहिए और फिर जैसे जैसे समय बीतेगा तो हल्की फुल्की रैलियाँ भी शुरू होंगी, नुक्कड़ सभाएँ शुरू होंगी। और चंडीगढ़ के नगर निगम के चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके स्टार कैंपेनर्स जो हैं वो यहाँ आने वाले हैं और उन स्टार कैंपेनर्स बहुत बड़े बड़े नाम हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो माना जा रहा है कि उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो आएंगे ही। इसके अलावा उनसे पहले जो अध्यक्ष थे और इस समय हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी यहाँ पर प्रचार के लिए आएंगे, वो भी यहाँ पर कुछ सभाओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद लगभग सभी जो इस इलाके के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वो आएंगे, खासतौर पर योगी आदित्यनाथ जो आने वाले हैं। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आने वाले हैं। ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि चंडीगढ़ में एक बड़ी संख्या जो है वो कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के लोगों की है, तो पुष्कर सिंह धामी काफ़ी काम के साबित हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसी तरह से योगी आदित्यनाथ, क्योंकि पूर्वांचल से भी एक बड़ी आबादी चंडीगढ़ में रहती है और काफ़ी संख्या में उनके वोट्स हैं, तो योगी आदित्यनाथ का आना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा पूर्वांचल के दो बहुत बड़े फिल्म स्टार और बीजेपी के नेता वो भी यहाँ पर आएंगे, मनोज तिवारी खासतौर पर और दिनेश यादव जिनको लोग निराहुआ के नाम से जानते हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, अनुराग ठाकुर आएंगे, जयराम ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी आएंगे। इसके अलावा तेजस्वी सूर्य और हंसराज हंस जैसे नेता भी यहाँ पर कैंपेन के लिए आएंगे। आपको ये भी बता दें कि हर पार्टी को 8 स्टार कैंपेनर्स जो है वो अलॉट किए जाते हैं। 8 स्टार कैंपेनर्स का इस्तेमाल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के दौरान कर सकती है। अगर इससे ज़्यादा नंबर होता है तो फिर उसका जो खर्चा होता है वो कैंडिडेट के खर्चे में चला जाता है और आपको मालूम है कि कैंडिडेट को सिर्फ 5 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति है नगर निगम के चुनावों के लिए। इसी प्रकार से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अपने स्टार कैंपेनर्स लेके आ रही है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अलका लांबा तो परसों ही 9 तारीख को ही चंडीगढ़ में आने वाली हैं और वो उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 दिन तक यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा जो पंजाब और हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हैं मुख्यमंत्री या नवजोत सिंह सिद्धू हैं या हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं या हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष शैलजा हैं या रणदीप सुरजेवाला हैं, ये लोग भी कांग्रेस की तरफ से प्रचार के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल भी यहाँ आ सकते हैं, संजय सिंह यहाँ पर होंगे, मनीष सिसोदिया पहले एक बार आ चुके हैं, दोबारा भी मनीष सिसोदिया
का यहाँ का आने का कार्यक्रम बन सकता है। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में चंडीगढ़ में काफी स्टार कैंपेनर्स नजर आने वाले हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नजर आने वाले हैं और काफी गहमा गहमी इन चुनावों को लेकर रहने वाली है। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी समस्या जो पार्टियों के सामने आ रही है वो बागियों की आ रही है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। और कांग्रेस के एक बागी जो कि काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं चंडीगढ़ की राजनीति में, और यहाँ पर बाकायदा उनका पूर्वांचल विकास महासंघ भी है, शशि शंकर तिवारी ने एक अलग मंच बना लिया है। और उस मंच पर वो न सिर्फ कांग्रेस में जो बागी हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के भी जो बागी हैं जिनको टिकट नहीं मिला है उनको भी वो उस मंच पर ला रहे हैं। और उनका कहना है कि वो एक चौथे मंच की तरह वो काम करेंगे और पूरे के पूरे एकजुट होकर जो पार्टियों के उम्मीदवार हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, उनको हराएंगे। गुरप्रीत सिंह हैप्पी जो कि दड़ुआ के सरपंच हैं और भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन बहुत बुरी तरह से वो नाराज हैं और पार्टी से हटकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी शशि शंकर तिवारी के साथ इस मोर्चे में शामिल है। कोई और नेता भी इसमें शामिल है। तो ये जो मोर्चा है, ये जो अलग मंच जो बागियों का मंच बना है, इसने भी इस इन चुनावों को काफी और जो है वो दिलचस्प बना दिया है। तीन पॉलिटिकल पार्टीज प्रमुख है, लेकिन इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी भी ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और अब अगर बागियों को भी एकजुट होने का मौका मिलता है तो आप कह सकते हैं कि ये काफी ओपन इलेक्शन हो जाएगा। और इन हालातों में किस पॉलिटिकल पार्टी को फायदा मिलता है ये अब देखना होगा। तो ये थी हमारी आज की जो चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनको लेकर एक पेशकश। एक जाते जाते आपको एक और भी खबर दे दें, आज जो नेशनल हेल्थ कमीशन के जो नेशनल हेल्थ मिशन के जो कर्मचारी हैं, NHM कर्मचारी जिनको हम कहते हैं, ये हड़ताल कर रहे हैं चंडीगढ़ में। कोविड के टाइम में इन कर्मचारियों ने काफी अहम योगदान दिया था, लेकिन पिछले दिनों डायरेक्टर हेल्थ जो चंडीगढ़ के हैं उन्होंने करीब 178 ये जो टेम्परेरी कर्मचारी थे इनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया था, जिसके विरोध में ये लगातार न सिर्फ NHM कर्मचारी स्ट्राइक कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। आज संयुक्त कर्मचारी संघ भी इनकी मदद के लिए आ गया और आज डायरेक्टर हेल्थ का जो 16 सेक्टर में कार्यालय है उसको घेरने की कोशिश की। काफी देर तक यहाँ पर नारेबाजी हुई। इन लीडर्स का कहना है कि इन कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर रखा जाए, ऐसा होता है या नहीं होता है ये भी देखना होगा। तो ये थी हमारी कुछ आज की ट्राइसिटी की दो प्रमुख खबरें जो आपसे हमने आज शेयर की हैं। चूंकि मसला आजकल मुख्य तौर पर जो मामला आजकल चुनाव का है, तो हमारा ज्यादा फोकस अब आने वाले दिनों में चुनाव पर रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बाकी खबरों के साथ भी और बाकी इश्यूज के साथ भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप अर्थ प्रकाश टीवी देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।